डिंग 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 डाउन डाउन डाउन, 90 रुपए 90 रुपए। अरे यार सिटी वी न्यूज़ डाउन 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 डाउन। बाय नंदेल्स, बाय। चालू है तो मैं भी चालू हूँ। यू आर वेरी चालू ब्रो। अब देखो नंदिल्स का नीचे उतरने में मजा आता है, हालांकि आप ज्यादा स्पीड ना चला रहे हो, तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड चलाएंगे फिर दिक्कत है, क्योंकि बाइक करेगी स्कीट। ये कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, आगे नहीं गाऊंगा नहीं तो आ जाता है हमको बार बार कॉपीराइट स्ट्राइक, कौन मारता है पता नहीं, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। उसे कोई नुकसान तो है नहीं, लेकिन जो मैं पैसे कमाऊंगा यूट्यूब से, सारा पैसा चला जाएगा चेन्नई एक्सप्रेस को। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा गाना का पैसा चेन्नई एक्सप्रेस को जाए, तो मैं अभी नहीं गाऊंगा। अब देखिए नंदी हिल्स, वाओ लाजवाब है भाई, भाई साहब तरह तरह के लोग, खूबसूरत वादी आप तो महसूस कर सकते हैं यहाँ आने के बाद कि हाँ क्या खूबसूरती है। बस वही है बबली मिरर में मैं दिख जाऊंगा सबको, सब दिख नहीं रहे हैं मेरे को क्योंकि कोई आ नहीं रहा था। ये था हमारा नंदी हिल, नंदी हिल पे समर पैलेस है, नंदी भगवान का मंदिर है, गणपति मंदिर है, सब मैंने दिखाया। वहाँ के पंडित जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने दिखाने दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप वीडियो बनाइए, पम पम पम, तो हमने वीडियो बनाया और वाकई बहुत खूबसूरत था। अगर आप वहाँ देखेंगे तो वो देखिए पहाड़, अगर आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए नीचे खाई, ऊपर पहाड़ नीचे खाई। और ये रा 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 रा, ये सुमो, वाओ ये कहते हैं ना बहुत बहुत खूबसूरत गाड़ी। ये सुमो एक ऐसी गाड़ी है जिससे आप भरोसा कर सकते हैं कि ये कभी आपका धोखा नहीं देगी। ये चलिए कोई बात नहीं, बस दिक्कत ये था, मैं इसलिए इसको ओवरटेक करना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था यूट्यूब पे अच्छा व्यू आए, सॉरी अच्छा हाँ मतलब व्यू मीन्स अच्छा वीडियो आए, लेकिन चलो नहीं करूँगा ओवरटेक, मैं ऐसे ही पीछे रहूँगा उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा डिस्टेंस में रहना चाहता था ताकि मैं दिखा पाऊँ। ये देखिए लाजवाब, और आप सोचिए कितनी ऊंचाई पे हमें, कि यूकेलिप्टस का पेड़ मेरे से नीचे है, कुछ ऊपर भी है क्योंकि यहीं पर जो पैदा होगा वो तो ऊपर ही जाएगा ना। तो और मेरी बाइक है जो बुम बुम दे रही है, आप यहाँ पे जब बाइक से चढ़ें या उतरें तो थोड़ा अच्छे से टर्न लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बाइक स्कीड कर सकता है। अगर आप तेजी में आएंगे और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अचानक से आप अगर आगे का ब्रेक ले लिया गलती से तो आपसे ये रोड आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और रोड आपको आपका साथ छोड़ देगा और ना तो बाइक आपका साथ देगी। तो इस वजह से अब दो दो गाड़ियां हो गई मेरे आगे, अब मुझे एनी हाउ मुझे इससे आगे निकलना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे कोई गाड़ी नहीं। हाँ अब ठीक है, अब मैं डिस्टेंस पे रहूंगा,
और यहाँ से व्यू दिखाऊंगा कि यहाँ से कितना खूबसूरत लगता है। कार वाले नहीं मानते भाई साहब, कार वाले ओवरटेक करेंगे चलते वक्त। चलते वक्त वालों को ना बहुत जल्दी होती है, उनको जोश होता है ना कितना जल्दी जाना है। उतरते हुए लोगों के पास बहुत मन करता है कि नहीं उतरूंगा, बस यहीं रह जाऊं। या मैं न्यूट्रल भी कर दूंगा गाड़ी, बंद कर दूंगा गाड़ी तो भी हम चले जाएंगे नीचे। यहाँ हिसाब किताब ये है, बिना एक्सीलेटर कर जाने वाला जगह है, लेकिन आगे यहाँ पर थोड़ा ऊपर उठने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बाहर निकल चुके हैं, थोड़ा सा पास रह, ये देखिए पहाड़ बस। बाय कर देता हूँ। क्या बताऊँ, बस अब यहाँ से निकलूँगा। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छी आई हो। कुछ लोग बाइक यहाँ लगा के उधर जंगल में जाते हैं फोटो लेने के लिए, अच्छी अच्छी फोटो लेते हैं और कुछ पिकनिक भी मनाते हैं। पहाड़ पे खाना बनाना जन सिर्फ होटल वालों को लिए ही है, वो भी सारी चीज़ें नहीं बनाते, वही चीज़ें बनाते हैं जो थोड़ा वहाँ पे बनाया जा सके। और मैं तो वैसे, मेरा मानना है कि मैं वहाँ पे जैसे गया, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पहाड़ पे फ्रूट चाट मिलता है। फ्रूट चाट बोलते हैं, बहुत सारा फ्रूट काट के चाट मसाला डाल के आपको दे दिया जाए खाने के लिए, ये मिलता है। मैं जब भी फिरोजपुर जाता हूँ तो मेरी एक माता जी हैं, मेरे यश जी और यश जी की माँ, और यश जी की माता जी जो हैं वो बहुत अच्छा हमको फ्रूट चाट बना के देती हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो मजा आ जाता है वाकई। तो रोड चाट ठीक रहता है। और बाकी और कुरकुरे और चिप्स ये सब बिल्कुल भी आप पहाड़ पे जाए तो ना लेके जाए प्लीज। और वहां पर बेचने वाले को भी बैन होना चाहिए कि आप प्लास्टिक के कोई भी चीज ना बेचें। पानी भी अगर बेचते हैं, आप 50 रुपीज़ लेते ही हैं पानी का एक बोतल का, तो आप ये सोचिए ना कि मिट्टी के बर्तन में दे दीजिए, किसान को काम मिलेगा यार। क्या ज़रूरत है कि आप बोतल में देते हैं। एक तो रिफिल वाला था वो सिस्टम, वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पे बोतल रखा हुआ रहता है बहुत सारा, आप उसे पानी पीजिए फिर बोतल को रख दीजिए वहीं पर। बाकी क्या है कि आप रिफिल सिस्टम अगर नहीं है, बाकी आप ये जो प्लास्टिक यूज होता है जिसमें बिस्लेरी वाला छोटा जो 1 लीटर का आता है या 1/2 लीटर वाला, ये सब प्लीज ना बेचें वहाँ पे और ना कोई लेके जाएं। कोशिश करें जो भी लेके जाएं वो ऐसा बर्तन लेके जाएं जो आप फेंके नहीं, लेके ही आ जाए। मैं एक बड़ा सा थैला लेके गया था, वैसे जितनी भी सारी चीज जो लगता था कि यहाँ पे वेस्ट हो सकता है वो मैं थैला में रख के आ गया, लेके आ गया। चलो मैं रख के, मतलब रखा थैले में और लेके आया। कितना खूबसूरत है ना यहाँ का मंजर, ये खूबसूरती का तो बस नाम ही नहीं है, बस
या कहें कि सहस्त्र नाम है, इतने नाम है कि आप अनगिनत पहाड़ों पे ये आप बाइक चलाते हुए जाएं। ये मुझे देखने को मिलता है जब मैं बेंगलोर से गोवा जाता हूँ। मैं एक वीडियो ला लेके आऊँगा, बेंगलोर टू गोवा ट्रिप जरूर देखिएगा प्लीज़। आपको यहाँ पे भी गोवा जैसी फीलिंग दिला रहा हूँ, ऐसा ही होता है। वहाँ पे भी पहाड़ पहाड़ होके जाते हैं, और वहाँ से भी जब आएंगे तो ऐसा ही उठाएंगे पहाड़ होके। और लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं जब जा रहा हूँ इतना इतनी लंबी सड़क कैसे, इतनी लंबी सड़क हो गई आप पूछे मत। जाते वक्त इतना टाइम नहीं लगा था जितना मुझे आते वक्त लग रहा है। तो भाई साहब अगर लंबी वीडियो हो जाए तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत दृश्य है। मैं नहीं चाहता हूँ एक भी जगह इसको कट करूँ, हर एक जगह को मैं खूबसूरती से लूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देख लूँगा। हाँ सही है, और अच्छे से जा रहे हैं। अब मैं प्यार से अगर दिखाऊँ तो आप ये समझ लीजिए। ये यहाँ पे झील पहाड़ नदी तालाब। मैं थोड़ा सा, अगर कैमरा बंद नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना बंद, नहीं, मैं थोड़ा सा एक चीज दिखाने की कोशिश करूँ। ओह शिट, ओह गॉड, या देखिए फिर बंद हो गया क्या? देखिए तो शीशा में, शीशा में हाँ? रात रुकने के लिए रिजॉर्ट टाइप का है। हम लोग इस पहाड़ पे गए हुए थे, इस पहाड़ पे, इस पहाड़, इसके पीछे बहुत ऊंचा पहाड़ है जहाँ पे हम लोग गए हुए थे।